दोस्तों अगर आप मोबाइल पे गेमिंग करते हैं तो हो जाइए सावधान। गूगल प्ले स्टोर पे दोस्तों 21 ऐसी गेमिंग एप्लीकेशन है जो आपकी सिक्योरिटी के लिए यहां पे दोस्तों खतरा है। यस दोस्तों, ये एप्लीकेशन खतरा है जिसके बारे में दोस्तों अवस्थ सिक्योरिटी ने यहां पे आगाह किया है कि ये 21 एप्लीकेशन आपको फिलहाल डिलीट कर देनी चाहिए, इनसे दूरी बना के रखनी। दोस्तों कौन कौन सी एप्लीकेशन है और क्यों दोस्तों ये खतरा है आपकी प्राइवेसी के लिए, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे स्टूडियो में। प्लीज बने रहिए स्टूडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं इंटरनेट की दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही जो आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करती है। मतलब दोस्तों आपकी दोस्तों इंटरनेट ब्राउजिंग आप कुछ भी करते हैं तो वो आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करता है, वो आपके लिए खतरा है, वो आपकी दोस्तों निजी जानकारी चुराते हैं। वैसे ही दोस्तों कुछ होता है यहां पे, कुछ एप्लीकेशंस दोस्तों ब्लॉटवेयर डाली होती है उसके अंदर ऑटोमेटिकली पॉपअप्स आने लग जाते हैं, उस पॉपअप्स को दोस्तों आपको क्लिक करना ही पड़ता है, अदरवाइज आपकी जो वेबसाइट है आपकी जो गेम है वो रुक जाती है। जैसे आप पॉपअप को क्लिक करते हैं वैसे ही दोस्तों आप चले जाते हैं यहां पे एक अलग स्टेज में जहां पे आपका पूरा डेटा चुरा लिया जाता है, बहुत सारी चीज होती है, आपका बैंकिंग डिटेल्स भी चला जाता है। वैसी चीजों को दोस्तों बोला जाता है एडवेयर। दोस्तों जो मैलिशियस एडवेयर होते हैं ये दोस्तों बहुत खतरनाक होते हैं, जो यहां पे एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है। स्क्रीन में दोस्तों आप देख सकते हैं मैलिशियस एडवेयर डिटेक्टेड इन 21 गेमिंग एप्स ऑन गूगल प्ले स्टोर। 21 ऐसी गेमिंग ऐप है दोस्तों जहां पे ये मैलिशियस खतरनाक एडवेयर जो है ये देखे गए हैं। गूगल दोस्तों अपनी सारी एप्लीकेशन को फिल्टर करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं गूगल के दोस्तों फिल्टरिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि प्ले स्टोर पर जो चीज आती है वो एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए दोस्तों, इसमें कोई भी वायरस नहीं होना चाहिए, ऐसा गूगल का दावा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और 21 एप्लीकेशन दोस्तों ने यहां पे ढूंढ के निकाली अवस्थ सिक्योरिटी ने। स्क्रीन में दोस्तों आप देख सकते हैं डिजिटल सिक्योरिटी प्रोवाइडर अवस्थ हैज सेड दैट इट इज सिक्योर्ड। सिक्योरिटी रिसर्चर्स दोस्तों उनके जो इन्होंने डिस्कवर किए 21 एडवेयर गेमिंग एप्स ऑन द गूगल प्ले स्टोर एंड रिपोर्टेड दोस टू द टेक जायंट्स फॉर नेसेसरी एक्शन। उन्होंने दोस्तों गूगल को क्लियर बता दिया कि इस पे आपको एक्शन लेना चाहिए। यस, लेकिन गूगल ने क्या किया दोस्तों? गूगल ने कुछ भी नहीं किया। अभी तक इन 21 में से 19 ऐसी एप्लीकेशन जो अभी भी प्ले स्टोर पे धड़ल्ले से बिक रही है, धड़ल्ले से यूज की जा रही है आप और मेरे जैसे यूजर से। अब दोस्तों ये करती क्या है? सिमिलरली दोस्तों एडवेयर जो ऐप है जो यहां पे रिपोर्टेड बाय अवस्थ जो है दोस्तों समय-समय पे इस तरह की सिक्योरिटी कंसर्न्स बताते रहता है गूगल को। जून और सितंबर के महीने में भी दोस्तों यहां पे बताया गया था, लेकिन इसका कुछ भी नहीं किया। ये काम कैसे करती है दोस्तों? इट्स अ पार्ट ऑफ हिडन एड्स फैमिली। दोस्तों ये छुपी हुई ऐड होती है। अगर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट या पर्टिकुलर ऐप अगर आपने खोली या गेम खोली है उसके अंदर अचानक से सडनली दोस्तों एक पॉपअप होगा जहां पे कुछ एडवर्टाइजमेंट चालू हो जाएगी, ये हिडन एड फैमिली से आती है दोस्तों, जहां पे डिस्प्लेइंग इंट्रूसिव एड्स दोस्तों, मतलब ऐसे धड़ल्ले से दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से दोस्तों हमला करती है आपके ऊपर, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाने लग जाती है। और जैसे ही दोस्तों आप उस पे क्लियर करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपको डाउनलोड करके ये एडवर्ट जो का दोस्तों आपको एक अलग प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा जहां पे दोस्तों आपकी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, आपकी पूरा डेटा चला जाता है, हो सकता है आपकी बैंकिंग डिटेल भी चोरी कर ली जाए। ये दोस्तों मतलब जो गेमर है, जो गेम एप्लीकेशन है वो ऐसा नहीं करती, लेकिन ये दोस्तों जो एडवर्ट्स है दोस्तों यहां पे जो मैलिशियस दोस्तों एड्स है, जो मतलब इसको वायरस बोल सकते हैं इनडायरेक्टली आप, ये दोस्तों आपका पूरा डेटा चुरा लेती है। इसकी सिक्योरिटी का कंसर्न दोस्तों सारी चीजों को देखते हुए गूगल को अपने प्ले स्टोर से इनको हटाना चाहिए, लेकिन अभी तक उसने इसको हटाया नहीं है। और यही चीज दोस्तों बहुत खतरनाक है आप और मेरे जैसे यूजर्स के लिए। अभी कौन कौन सी एप्लीकेशन इसके बारे में कुछ दोस्तों बताया गया है, तो मैं कुछ नाम आपको बताता हूं, इसमें से कोई यूज करते हैं तो फिलहाल इसको डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए अपने मोबाइल में से। दोस्तों गेम एप्लीकेशन जैसे कि आपने बताया शूट डैम, ये है कि दोस्तों क्रश कार, रोलिंग स्कोल, फिर हेलीकॉप्टर अटैक न्यू वाली दोस्तों असैसिन लेजेंड्स 2020 न्यू है दोस्तों, हेलीकॉप्टर शूट, रग्बी पास, फ्लाइंग स्केटबोर्ड एंड आयरन। दोस्तों ये कुछ एप्लीकेशन दोस्तों कुछ ऐसी गेम एप्लीकेशन है जिसको आपको अभी फिलहाल यहां पे हटा देना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों यहां पे हमला करेगी आपके ऊपर, ये अलग तरह का हमला होता है जो आपको पता नहीं चलेगा, एड के थ्रू आएगी दोस्तों सडनली, और उस एड पे क्लिक करने से, क्योंकि वो एड पे आपको क्लिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप गेम जो होती है आपकी पॉज हो जाती है, जैसे क्लिक करेंगे आपका पूरा डेटा उन लोगों के पास चला जाता है और आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन, फाइनेंशियली डेटा भी उनके पास चला जाता है, हो सकता है दोस्तों वो आपके बैंक को खाली कर दे, ऐसा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले, सिर्फ एक सिंगल क्लिक से आपका पूरा बैंक खाता खाली हो जाता है। किस तरह से करते हैं ये तो देखने वाली चीज है, लेकिन फिलहाल आपको इस तरह के लोगों से, इस तरह के चोरों से, साइबर ठगों से आपको बचना जरूरी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की रिपोर्ट जो आई थी दोस्तों यहां पे अवस्थ सिक्योरिटी की तरफ से, जहां पे गूगल प्ले स्टोर पे 21 ऐसी एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन जो आपको निशाना बना सकते हैं। इस एप्लीकेशन को दोस्तों जरूर जरूर आज ही अनइंस्टॉल कर दीजिए फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो एक थम्स अप जरूर दे देना। आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। यहां तक आ चुके हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार आपके भाई को देख रहे हैं, नील लाल कलर का जो बटन है इसको जोर दबा दीजिए, इसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोलॉजी फैमिली की वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। उसके पास दिखेगा घंटी
का बटन उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।